प्रिंसटन मोनटाप जागटे पीटर एल फारे मॉर्गन नाक हामबुर्ग। छोटी सी गलती है, एयरफेयर तो आएगा ही नहीं। ना, ना, हाँ वो फारा तो बोले ही है। हाँ नहीं, एक वो रेड कलर लो जरा। हाँ बस इसको सर्कल करो। हिंट दिया नहीं। नहीं, इसको भी सर्कल करो। हिंट दो, लेट्स सी अगर मिलता है क्या। डीन्सटाग नहीं चाहिए मुझे, मुझे एडवर्ब चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। नहीं मॉर्गन तो है ही, इसी को बदल रहा है। बोलो मत। हाँ बोला नहीं, बोला नहीं है, बोला नहीं है। ये भी ये लो, तुमने तो एक महीना पीछे भी कर दिया, मैं तो मंडे की बात कर रहा हूँ। इसको सिंपली यहां लिखो आई एम नेक्स्ट इन टाग। कब की बात है ये? पिछले मंडे की। तो पिछले मंडे को उसने मुझसे कहा कि नहीं अगले दिन जा रहा है, मॉर्गन नहीं आएगा। मॉर्गन आते ही तुम आज से कल की बात कर रहे हो। पिछले मंडे से अगले दिन, ख्याल रखो इसका कि वो अगले दिन हामबुर्ग जा रहा है। जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन के अगले दिन, आने वाले दिन। सो काइंस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो प्रोनाउन बदलेगा, इश का एयर हो जाएगा सेंटेंस में, टाइम एलिमेंट बदलेगा। अगर वो गेस्टर्न होगा तो फोरिगन टाग। हाँ इसकी, इस दिन से लेना है रेफरेंस। सुना तो तुम मुझे ये बात आज रहे हो। सर आज बात हुई तो वो कल जाएगा। हाँ आज बात हुई तो कल जाएगा, लेकिन मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, पिछले मंडे की बात कर रहा हूँ। पिछले मंडे से अगले दिन, तो वो तो कल नहीं हुआ ना, कल का रेफरेंस तो आज से आता है। उस दिन से आएगा तो उसके अगले दिन, जिस दिन मेरी बात हुई है, जिस दिन उसने मुझसे कहा, उसके अगले दिन वो जा रहा है। ख्याल रखना इसका। एक डू यू हैव दैट हैंड आउट, दैट टेक्स्ट काइंस का? इट्स देयर ऑन माय लैपटॉप। कैन वी, हाँ मयंक आ जाओ, यू कैन सिट हियर, दिस प्लेस हियर, दिस प्लेस हियर, यू कैन सिट देयर, झुक के जाओ, अप टू लेट। Du musst nach Hause gehen und etwas essen. Ja, das habe ich gesehen gegessen. Nein, ich habe nicht gegessen. Satt gegessen? Ja, satt gegessen. Okay, okay, good. I was worried, you didn't have lunch. क्या करें यार, ख्याल रखना पड़ता है, हो जाता है, भूखा बैठा रहेगा तो यहाँ खा जाएगा हम लोग सबको। ओके, यू हैव कन्जंक्टिवाइटिस, हाउ कैन वी प्रोजेक्ट इट समवेयर? You have a laptop? You have a laptop? Connect here. You can connect. I have a tablet.
कैसे कनेक्ट करोगे? वाईफाई लैपटॉप से तो यहां से कनेक्ट हो जाएगा। सो बट वी डोंट हैव अ वायर। पक्का लैपटॉप टू दिस? फैंटास्टिक, ले आना इफ यू कैन। वो आई नीड दैट फिफ्थ सिक्स्थ साथ और सेवंथ साथ। माइन फादर गेट गेट इन्स ब्यूरो एंड फ्रैक्टम मेश एटसेट्रा एटसेट्रा वाला। या जुपा युवगन सो कन्जंक्टिवाइट्स सो देन अपसेट्स दिस इज नंबर 7 7 और नहीं अजो दिस इज 27 Also da haben wir 26 Sätze davor. Ja. Ich habe hab gedacht, wir haben nur 6 Sätze oder so. Nein, es gibt zahlreiche. Ja, wir nehmen diese. Can we plug it into your lap, into this or then laptop? No. Laptop. Du hast auch die Übung dabei. Ein kleiner Moment. Okay, ek cheez aur. Pronouns ka khyal rakho. The question here, kya naam hai beta tumhara? Wo children wali jo baat thi? Kya sentence tha wo? Bachchon ke context mein? Okay. Right. So let's take that sentence here. Ye mita do isko. Ek aur mat lo yaar. It's not. Okay. Meine Kinder sagen. Mere ko direct speech chahiye. Direct speech do pehle. Hame paise chahiye. Waise lo aur wo aasan hoga. ओके अब बनाओ जो कुछ हमने सीखा अब तक उससे उसके हिसाब से बनाओ। या जी ब्राउकन गेल्ट। हाँ अब प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ पे। किंडर हो गया जी वीयर का जी हमें उन्हें हमें उन्हें चेंज हो गया लेकिन ये और ये एक ही है ना। ब्राउकन ब्राउकन सेम। अगर ये सेम है तो मतलब कहाँ है कहाँ है इसका? तो इसके लिए किताबें जो हैं एक रूल देती हैं वो कहते हैं रूल है। जहाँ पे ये मैचिंग होता है इंडिकेटिव और कंजंक्टिव का तो वहाँ पे काट्स वाई ले लो। बट आई एम नॉट हैप्पी विद द रूल। काट्स वाई लिया तो गलतफहमी भी हो सकती है कि ये काट्स वाई क्यों हुआ। अगर एज यूजर क्योंकि इस्तेमाल कौन कर रहा है लैंग्वेज हम कर रहे हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मेरा पार्टनर सही समझ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अगर एक्सरसाइज में कहा गया है कि ओवरलैप हो रहा है चेंज करो तो इसको काचवाई बना दो। वी आर ब्रॉइस्टन गेल्ड उमलाउट लगा के काचवाई कर दो। ब्रॉइस्टन होता है उमलाउट के साथ आता है वो भी बन सकता है बट ब्रॉइस्टन डायरेक्ट डायरेक्ट उसके साथ ही बनता है। जी ब्रॉइस्टन गेल्ट ना जी जी वियर नहीं आएगा जी रिपोर्टेड है ना तो जी जी ब्रॉइस्टन गेल्ट क्या वो लंबा अगर थोड़ा करना जी व्यूडन गेल्ट ब्राउखन सो यू कैन चेंज इट स्लाइटली दैट Listen this. Oh, you managed to hook up? Oh,
मैं 27 नंबर की बात कर रहा हूँ, नुमा जीब नुन स्वांस से। या गुड डंक एफोल के हाफ दिस इज देयर योर ऑयरो का मूवमेंट आजो माइन फादर जाक्त सो मिया Ich fahre jetzt ins Büro. Wenn ich dir etwas mitbringen soll, musst du es mir sagen. Zu meiner Mutter sagte er, ich bringe dir das Fleisch für den Haushalt mit. Wenn du noch etwas brauchst, musst du mich entweder im Büro anrufen oder du musst eines der Kinder in die Stadt schicken. Später rief der Vater an. Ich bin jetzt hier im Büro. Einer meiner Geschäftsfreunde hat mich angerufen und hat mich um meinen Besuch gebeten. Ich komme also erst später zu euch hinaus. Ihr könnt schon mit dem Abendessen anfangen. Meine Mutter sagte, es ist gut. Ich werde den Kindern schon das Essen machen. Wir können dann ja später zu Abend essen. Text verstanden? Alle Wörter sind ganz einfach. Alle Wörter sind auch bekannt. Also wie können wir mit diesem Text weitergehen? K1. Ja, los. Schurojo. Start. अंदर जो कैमरे में बंद है वो और यहाँ जो कैमरे के बाहर बैठे हैं शुरू हो जाओ या नहीं चल दो चल दो ग्लाइसाइटिस नहीं होगा एफ आर ए ग्लाइश इंस्प्यूरो यट्स चेंज हो जाएगा यट्स होगा अभी और ग्लाइश का क्या मतलब होता है जल्द ही सेम नहीं जल्द ही टाइम में सो एफ आर ग्लाइश इंस ब्यूरो बात तो मेरे से कर रहे हैं बात तो मेरे से कर रहे हैं When a mia shabash? Yeah? It was mitbringen solle. Yeah? Müsse ich shabash? Müsse ich? Es? अरे 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 ए वन में वापस फिसल गई पहले एक्यूजेटिव प्रोनाउन फिर डाटिव प्रोनाउन ई मैस नहीं होगा एस ईम आएगा म्यूस एश एस ईम जागन ठीक है आगे बढ़ो ब्रिंगे काइंस Erbringer? मदर से बात कर रहा है मेरी मदर से बात कर रहा है ईयर Erbringer ईयर हाँ 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 When the knock it was एक मिनट एक मिनट एक मिनट
etwas brauche. Mr. Z? Mish कहाँ से आ गया? तुम कहाँ से आ गए बीच में? इन, बहुत अच्छे. Mr. Z, इन. तुम क्यों आ रहे हो बीच में यार? ये उधर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है. Mr. Z, इन. आगे आगे. जी म्यूस से इन द स्टार्ट शिकन. ठीक है आगे बढ़ो. स्पेटर वी देयर पार्टनर ऑन एस जाई यक्स. हां एस जाई ग्लाइस ग्लाइस नहीं आएगा यहां पे. As I to that site in bureau, या that site in bureau, उस वक्त that site, as I that site in bureau, dot in bureau, here नहीं है, dot in bureau, हाँ, Einar Zainer, बहुत अच्छे. हाँ हाँ हार्ट हार्ट हाबे हाबे इन इन हार्ट इन कहाँ इसका आ गया हार्ट के साथ हाबे इन अनगेरूफन और in seinen केस चेंज नहीं करना. अकुजेटिव डेटिव चेंज मत करना, वो वैसे ही रहेगा. प्रोनाउन चेंज होगा. तो seinen Besuch gebeten er komme. बहुत अच्छे, वेरी गुड. टू उस क्यों आएगा? ये किससे बात कर रहा है? फादर मदर से बात कर रहा है ना. फादर जो है मदर से बात कर रहा है. अल्सो स्पेटर रीफ देयर फादर अन टू इनन इनन पक्का पक्का इनन पक्का है. इनन पक्का है बोलो. और पक्का है तो छोटा आई कि बड़ा आई? छोटा आई इज राइट. रिपोर्टेड है उन लोगों के पास. उसने कहा कि मैं उन लोगों के पास. सो या सो इन एन इन हाउस. ओके हाँ क्या? स्टॉप स्टॉप एक मिनट. ये पूरा यहां तक का आइंस है ना, रिपोर्टेड है ना. तो यहां पे जी क्योनन लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज ये भी का आइंस ही है. हालांकि ये मैच कर रहा है इंडिकेटिव से, लेकिन इस फ्लो में पता चल जाता है कि ये भी का आइंस है. अगर बहुत तकलीफ हो रही है क्यों टेंड कर दो भाई, बुक में तो ऐसा लिखा तो कर दो क्यों टेंड. सो जी क्यों नहीं आबंद एसन ब्रेक करो. आबंद एसन नहीं है वो, आबंद एसन तोड़ना है उसको. हाँ एस साई गुड एस साई गुड
गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, सबके लिए तालियां। असली प्रॉब्लम यहां पर है, जो तुम सोच रहे थे वो नहीं है कि वो वर्ब को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्जुगेशन कैसे होगा। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ये है प्रॉब्लम। ये प्रोनाउंस का ख्याल रखना, टाइम एलिमेंट का ख्याल रखना, दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। एक और थोड़ा सा ऊपर, आप नहीं नहीं इसी में, इसी पेज में ऊपर ऊपर चलो, थोड़ा सा ऊपर। आई वॉन्ट द सेंटेंस एट द बॉटम, ये नहीं, ज्यादा वे राउंड, ज्यादा वे राउंड, 28, 29, आई वॉन्ट 28, 29। ये एक्सरसाइज मेरा है, मैंने बनाया। खाली दिमाग जो होता है ना, ऐसे शैतान का दिमाग होता है। रिटायर्ड हूँ मैं, अब समझ गए ना। ओके, कोलंबस बेफाल देम डीना ब्रिंग मियर आई नाई, रिपोर्टेड स्पीच बनाओ। आउस रूफत साइशन, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव, इंपरेटिव, वो दिखना चाहिए, सुनने में आना चाहिए। Bring me an eye. कौन किसके लिए लाए? ईम दोनों हो सकता है, कोलंबस भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। डिनर सर्वेंट, नौकर, कोलंबस बेफाल देम डिनर, दस ओनो दस ये डीजर क्या चीज है? साइड में लिखो, कहीं पे यही लिख दो डीजर। ओके ओके, ये डीजर कौन है? ये डीनर। अगर ये डीनर है तो कोलंबस को क्या कहेंगे? ये नर, जे ई एन ई आर। ये दोनों क्या मतलब है इनका? ये नर और डीनर का क्या मतलब हुआ? ये नर und dieser, आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है कि सवाल तो सोच भी नहीं सकते ये लोग, अभी मजा आ गया। और टॉपिक दो यार मुझे ऐसे। ओके, डीजर डिनर के लिए है, ये नर कोलंबस के लिए है। डीजर का मतलब ये बाद वाला, द लेटर इंग्लिश में। ये नर का मतलब वो पहले वाला, कोलंबस। क्यों लिया हुआ ऐसे? दोनों मैस्कुलिन है तो पता तो चले कौन कह रहा है। पहला कह रहा कि अगला कह रहा है, वो है ना अपने पास, है ना हिंदी में, अगले ने कहा, पहले वाले ने, फिर दूसरे ने, या अगले ने, वी यूज दैट इन हिंदी। ये वही चीज है यहाँ पे, द फॉर्मर द लैटर। सो अंडा कौन लाएगा? ये लाएगा अगला, उसने उसे कहा, अगला अंडा दे के आए। और जल,
इंपरेटिव ज़ोलन के साथ चेंज होता है ज्यादातर, एनी इंपरेटिव वर्ब्स ज़ोलन के साथ का इंस में बिठाया जाएगा। और कोई और क्या आएगा वहां पे, क्यों नहीं मिशन तो आ ही नहीं सकते। अभी तुम लोगों ने जो मीनिंग सीखे है ना, वो क्या बोलते हैं, वो पोलियो ड्रॉप्स जैसे हैं, असली दवाई तो आई नहीं, बहुत मीनिंग है उसके। कैन यू स्क्रोल अप, नहीं गो टू द नेक्स्ट वन। ये सब इंपरेटिव जैसे हैं, सो सब ज़ोलिन के साथ बनेंगे। लेट्स गो ऑन, अब टाइम हो गया ना, सो वी हैव टू स्टॉप नाउ आई थिंक। Yeah, I'll take one more. Eine Geschichte aus Persien, a story from Persia. Aap ye dekho yahan pe. Yeah, okay, it's okay. Jemand kaufte jeden Tag 6 Brote. Yeah, back down thoda sa. I need it, this whole screen down. A little more. Das reicht, genug, danke. Jemand kaufte jeden Tag 6 Brote. Eines Tages fragte ihn sein Freund, was machst du jeden Tag mit 6 Broten? Er antwortete, kon. Do ho gaya, Freund, maskulin. Pehle ne jawab diya, dusre ne diya? Jener, ye pehle wale ne jawab diya. Freund ne pucha. This is why we use jener and dieser. इसने पूछा और पहले ने जवाब दिया, या सो ये नर। आइन ब्रोट बेहाल्टर ऐश, आइन ब्रोट बर्फेश वैग, स्वाई ब्रोट गे बाई सुरख, ऑन स्वाई ब्रोट फेर लाइय ऐश। द फ्रॉइंड डॉक्टर दस आब ऐश नहीं फर्स्ट आंग स्प्रिश डॉइट लीचा। इंपरेटिव फिर से, किसको साफ बोलना है, पहले को दूसरे को? पहले को। ये नर जोल डॉइटलिशर स्प्रेशन, ठीक है। अब आगे आओ, दास आक्ट ये नर, देखो ये नर जोल, तो ये नर अब बोल रहा है। हेट सू दस ब्रोड दस इज बेहाल्ट एस एस दस ब्रोड दस इज वेग वर्फ गे बेच माइनर श्वीगर मोटर ऑन वेम गिव्स टू दी ब्रोट सुरुक फ्रैक्टर दे फ्रॉइंट Zwei Brote gebe ich meinen Eltern und die beiden Brote, die ich verleihe, udhar, gebe ich meinen beiden Söhnen. Ye kahani hamare paas bhi hai. Stories report karni hoti hain. So, jyadatar kahaniyon ke exercises mein tumhe kahaniyan dikhengi. एक कहानी और है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, नीचे वाला। आई थिंक आफ्टर दिस वी कैन स्टॉप, या टेक दिस वन फॉर वंडलसी। या राइट वन दस इज कैन ऑक दे हान ऑन देयर फूक्स, मुर्गा और लोमड़ी, या द रूस्टर एंड द फॉक्स। ऑफ एन बाउम जास एन अल्टर हान एंड फोक्स द गराड फॉर बाय खाम जा देन हान ऑन द ए गराड हुंग हट जाक्ट ए कम डॉक हेरोंट अल्गेमाइनर फ्रीडन इज ऑनटर देन टियर एंड गेश्लोसन। सारे जानवरों में शांति या अमन, नहीं भंग नहीं हुआ, अमंग स्थापित हो गया या कुछ हुआ, गेस्लासन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। कम हैराप नीचे आ जा, उन किस समेश और मुझे चूम ले। देन फॉन हॉइट आप जिन वी आर ब्रूडर, ये लोमड़ी बोल रही है मुर्गे को, लीब अ फ्रॉइंड एंटीगेगनेटर दे हान। Das ist eine wunderschöne Nachricht.
dort sehe ich auch zwei Hunde herbei eilen. दो कुत्ते भागते आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ से पेड़ के ऊपर से. Sie wollen uns sicher auch die Friedensnachricht bringen. Dann können wir alle vier küssen. Entschuldige, rief der Fuchs eilig. जल्दी से लोमड़ी ने कहा, ich habe noch einen weiten Weg, मुझे बहुत दूर जाना है. Das Friedensfest werden wir später feiern. फिर किसी दिन ये हाँ चुमचाम का मामला करेंगे. Traurig, dass er seinen Hunger nicht stillen konnte, lief er davon. Der Hahn aber saß auf seinem Ast und lachte. Es macht doch Spaß, einen Betrüger zu betrügen. Betrügen? 420, अब तो चेंज हो गया वो. अब क्या 104 या 105 कुछ है वो. आईपीसी चेंज हो गया ना. किसी धोखेबाज को धोखा देना मजा आता है. प्रॉब्लम इसको कैसे करोगे. ये भी तो इसी सेंटेंस का है. हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस. और ये रिपोर्ट करना है तुम्हें. सॉरी ट्रांसलेट नहीं, रिपोर्ट. हाउ विल यू रिपोर्ट दिस. मान लो देवकरण सेज आप आए, हमें अच्छा लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. और मैं जवाब देता हूँ, डियर देवकरण, इट वॉज अ प्लेजर, आई रियली एन्जॉयड माई ट्रिप. इसको तुम लोग रिपोर्ट कर रहे हो न्यूज़पेपर में, वारुंग निस्ट बियर में निकाल रहे हैं, रिपोर्टेड. कैसे करोगे. इसको कैसे करोगे. डियर ये चेंज करना पड़ेगा. वन ऑप्शन, दे हैव टू चूज द राइट वर्ड. फ्रेंडली इज जस्ट नॉट इनफ. फ्रेंडली सिर्फ फ्रेंडली से नहीं चलेगा. सो डियर देवकरण, इट वॉज अ रियल प्लेजर फॉर मी. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इंटोनेशन टोन के साथ, तो इसमें क्या फीलिंग है, वो फीलिंग वाली बात इसमें लिखना पड़ेगा तुम्हें. नहीं, लीबर फ्रॉन तो लिख ही नहीं सकते. या लीबर फॉल, वेरी गुड, एकदम प्यार से कहा. यू हैव टू ट्रांसलेट दिस लिटरली. ये यहाँ मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है. सो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे ऐसी जगहों पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. चिंता मत करो, सिलेबस में है, लेकिन एग्जाम में आमतौर से कोई पूछता नहीं है. ये पूछने वाले को भी तो आना चाहिए ना. तो ये सोच के चलो, हर किसी को नहीं आता ये, कभी या नहीं आता पकड़ में इतनी जल्दी. ये सिखाते इसलिए हैं क्योंकि टेक्स्ट में लिखा रहता है कभी कभी. लीज जो टेक्स्ट आता है ना, तो उसमें ये रहता है, तो वहाँ समझना ज़रूरी है. यूज़ नहीं होगा इसका, सो डोंट वरी. हाँ नहीं नहीं चलेगा, बिल्कुल होगा. हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई. हाँ यस. कोर्ट रिपोर्टर डायरेक्ट, पूरा डायरेक्ट, वो रिपोर्टेड नहीं है. उनके टाइपिंग स्पीड देखिए. या फिर कहां रिपोर्टेड करना है और कहां डायरेक्ट रखना है. रीडिंग एन आर्टिकल, एक न्यूज़ आर्टिकल, तो कहां
कहां कौन क्या कह रहा है यू हैव टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि एक ही अब्स्ट्रैक्ट में द यूज कोटेड भी होता है और रिपोर्टेड भी है. जैसे अभी था इसके अंदर टेक्स्ट. सो मुझे उम्मीद है कि आपको का आइंस का कुछ फंडा पता चल गया होगा बेसिक, राइट. जनरली ये जो भी एडवांस कोर्सेज है B2 C1 वहाँ पे इसकी शुरुआत होती है, राइट. B1 तक तो इसके बारे में बात भी नहीं करते, डर लगता है. डर क्या लगता है, कोर्स में भी नहीं होता वो, राइट. सो इसके बारे में कुछ सेंटेंस और बनाओ आप, मेरे से मत पूछना. नेक्स्ट टाइम जब सर आएंगे तो आपका रूबरू कराएंगे. और ऑल द बेस्ट. थैंक यू शोन. आज के लिए हम लोग लीव लेते हैं अभी. या इट्स ऑलरेडी टू लेट. बेटर बेटर बेटर.